हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2023 लेवल वन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है साथियों। वेटिंग लिस्ट को लेकर जैसा कि आप यहां पर थंबनेल पर भी आपको नजर आ रहा होगा, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2023 लेवल वन वेटिंग लिस्ट अपडेट, कितने पदों पर आने वाली है वेटिंग लिस्ट। अभी यहां पर फिलहाल जो कर्मचारी चयन बोर्ड को जो डाटा मिला है साथियों नॉन ज्वाइनर का लेवल वन में, वो अभी 212 पदों पर डाटा मिला है। बचे हुए मूल पदों पर रिजल्ट जो आपका है कब तक जारी होने वाला है, और इसके अलावा जो प्रोविजनल में जो अभ्यर्थी रखे गए इनका रिजल्ट कब जारी होगा, और क्या यहां पर जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो 212 पदों पर ही आएगी या फिर और इससे ज्यादा पदों पर हमें देखने को मिल सकती है। क्या साथियों लेवल वन की वेटिंग लिस्ट को अपडेट है, क्या आगे की जानकारी है, ए टू जेड संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। क्योंकि काफी दिनों से आप अभ्यर्थी परेशान हो गए थे, बार बार आपने मेरे पास कॉल भी किया था, मैसेज भी किया था, और मैं साथियों आपको रिप्लाई नहीं कर पाया, ना ही मैं आपके कॉल यहाँ पर रिसीव कर पाया, और ना ही मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई कर पाया था। क्योंकि मैं साथियों थोड़ा सा बाहर गया हुआ था ना, फिर मेरी तबीयत भी खराब हो गई, तो 3-4 दिनों से मैं बीमार भी चल रहा था, तो इस वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आगे की जो भी अपडेट आप, क्योंकि वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स पर रेगुलरली टाइम टू टाइम अब देखने को आपको मिल जाएगी। आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही प्यारे साथियों आपको परेशान होने की आवश्यकता है। अब यहां पर बात करते हैं साथियों, कुछ दिन पहले एक छोटी सी हलचल मची थी, और वो हलचल थी लेवल वन में जो वेटिंग लिस्ट को लेकर थी नॉन ज्वाइनर का डाटा, यानी कि एक आटे के माध्यम से यहाँ पर सूचना भी मांगी गई थी, जिसमें बताया गया था कि अभी लेवल वन में 212 पदों का ही डाटा कर्मचारी चयन बोर्ड को पहुंचा है। यानी कि आपके भर्ती तो ये 21,000 पदों पर थी, अब ऐसे में एक सोचने वाली बात है, क्या 21,000 पदों पर क्या इतने से ही अभ्यर्थी मिलेंगे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हो, है ना। क्योंकि इसको देखकर सभी अभ्यर्थियों को एक बार झटका लग गया था, जो सोच रहे थे कि भाई 1,000 पदों पर आएगी या फिर 1,500 पदों पर आएगी ना, और स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी भर्ती में इतने पद तो कम से कम 1,000 प्लस पद तो होने भी चाहिए वेटिंग लिस्ट के। लेकिन जैसे ही ये डाटा यहाँ पर आया तो सभी के एक प्रकार से होश गुम हो गए, ये तो बहुत बुरा हुआ है, 212 पदों पर वेटिंग लिस्ट आई है। ऐसा कुछ नहीं है प्यारे साथियों, अभी जो डाटा मिला यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड को वो केवल 212 पदों का ही मिला है। और ये ट्वीट है कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का, यहां पर 4 अगस्त का आप देख सकते हैं दोपहर का ट्वीट इनका है, और इन्होंने बताया कि अभी फिलहाल जो हमें नॉन ज्वाइनर का डाटा मिला है लेवल वन में वो 212 पदों पर ही मिला है। अब एक और बहुत बड़ी अपडेट यहां पर आ जाई है, जो उपेन्द्र यादव जी हैं बीजेपी के जो नेता भी हैं और पहले बेरोजगार कृत महासंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और वास्तव में बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं लेवल वन लेवल टू वाले अभ्यर्थियों के लिए, है ना। चाहे किसी भी प्रकार का सहयोग रहा हो, हर समय इन्होंने लेवल वन लेवल टू वाले अभ्यर्थियों का साथ दिया और हमेशा सहयोग किया है, और इन्हीं की बदौलत लेवल वन जो लेवल टू भर्ती प्रक्रिया साथियों बहुत अच्छी तरीके से शानदार तरीके से कंप्लीट हुई है, और लगभग पूरी भर्ती प्रक्रिया आपकी होने वाली है। अब एक ट्वीट आज इनका किया है इन्होंने, और इन्होंने बताया है कि माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अध्यापक भर्ती लेवल वन नॉन ज्वाइनर 212 पदों पर वेटिंग निकालने की सूची बीकानेर से बोर्ड को प्राप्त हुई है, और अभी नॉन ज्वाइनर अपात्र का डाटा और आना शेष है। अब आपको क्लियर हो गया कि वेटिंग लिस्ट में और पद भी आने वाले, अब ऐसा नहीं है कि 212 पदों पर 200 पार नहीं, इससे और भी ज्यादा पद आएंगे। अभी केवल 212 पदों पर डाटा बीकानेर से चयन बोर्ड पहुंचा है, अब और भी पदों पर अभी आपका जारी होने वाला है, बीकानेर से यह बोर्ड को प्राप्त होगा। अभी नॉन ज्वाइनर अपात्र का डाटा आना शेष है, उस डाटा को जल्द भिजवाने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि उपेन्द्र यादव जी ने कहा है कि 212 पदों पर तो भेज दिया बीकानेर शिक्षा निदेशालय ने, बाकी और भी जितने पद हैं हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जितने भी 200, 300, 400, 500 जो भी पद हैं इन पर जल्द से जल्द बीकानेर शिक्षा निदेशालय ये डाटा कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजे। और आपसे निवेदन है कि सभी पदों पर एक साथ प्रतीक्षा सूची जारी करे। तो अब इस चीज को तो दिमाग से आप निकाल दो कि वेटिंग लिस्ट आपकी 212 पर ही जारी होगी, 212 पर नहीं। इन्होंने आग्रह किया कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मोदी से कि 212 पद तो वो है, और एक दो दिन के अंदर जितने भी बचे हुए पद हैं उनको हम जल्द से जल्द उनका डाटा आपके पास भिजवा रहे हैं, तो सभी पदों पर डाटा एक साथ वेटिंग लिस्ट आप जारी करो।
और उससे पहले लेवल वन और लेवल टू के रिक्त सभी मूल पदों की सूची अति शीघ्र जारी करो। यानी कि इन्होंने यहां पर यह भी कह दिया, जैसे अभी लेवल वन में यहां पर 500 प्लस जो मूल पद बचे हुए हैं ना, कुछ इन मूल पदों में से जैसे प्रोविजनल वाले अभ्यर्थ रहे, तो इनका कहना है कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से कि आप पहले जो मूल पद बचे हुए लेवल वन लेवल टू में, इनका पहले आप एक बार रिजल्ट जारी करो, जिससे कि अगर आप यहां पर ये मूल पदों का रिजल्ट जारी नहीं करेंगे और वेटिंग आपने जारी कर दिया, तो यहां के जो कुछ कैंडिडेट होंगे वो वहां वेटिंग लिस्ट में चल जाएंगे और वहां पर फिर जो और कुछ नए अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में शामिल होने वाले होंगे उनको नुकसान होगा। तो इनका कहना यही है कि पहले आप मूल पदों पर रिजल्ट जारी करो, और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में आपका जो लेवल वन में जो मूल पद बचे हुए इन पर रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर आपका वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट जारी होगा। और पूरी उम्मीद है कि जो आपके यहां पर साथियों ये वेटिंग लिस्ट होगी ये लगभग आपके 1000+ पदों पर आएगी, 212 पर नहीं, कम से कम मान के चलो कि 1000+ पदों पर तो आपके वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर, तो कट ऑफ साथियों इसका भी आपको जल्दी एक सटीक डाटा मिल जाएगा कट ऑफ को लेकर। बाकी और जो भी अपनी आगे की अपडेट होगी आपको अपने टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स पर रेगुलरली देखने को मिल जाएगी। आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, थैंक यू।